निकालते नहीं ना, अभी तक जकात बराबर नहीं निकली, जकात नहीं निकली अभी तक। अल्लाह अकबर कबीरा, आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। पैसे वसूल करते हैं ना, उस आपा ने कहा हजरत मैं देख रही हूं, मैं चार पांच ऐसे हजरात को जानती और देखती हूं जो हमारे मोहल्ले में महीने का सूद नहीं घंटों का सूद लेते हैं। मुसलमान सूद में मुब्तला है, ऐसे जमाने में कुएं सूखेंगे नहीं तो और क्या होंगे, बोर नहीं सूखेंगे तो और क्या होंगे, अल्लाह बारिशों को बंद नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लोग कहते हैं हजरत बारिश शांत नहीं हो रहे हैं, कई को मौली साहबा सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं होती तो फिर उसकी भी एक नमाज शरीयत में है, उस नमाज का नाम है सलातुल इस्तिस्का। मैंने कहा कि पढ़ना जरूर है, पहले मुहासबा जरूरी है, बाद में अमल। मुहासबा किसे कहते हैं, अपने आमाल पर नजर डालें, आमाल पर नजर डालें, अगर आमाल खराब हैं रोज नमाज पढ़े खतरा भी नहीं बरसेगा। आमाल खराब है औलिया नमाज पढ़े खतरा भी नाजिल नहीं होगा। पहले मुहासबा बाद में अमल। मूसा के जमाने में बारिश नहीं हुई, मूसा सलातुल इस्तिस्का को अदा करने के लिए अपनी उम्मत को लेकर मैदान में गए। हर नबी के दौर में सलातुल इस्तिस्का थी। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ना चाहते थे, अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा मूसा तुम नमाज पढ़कर दुआ भी करोगे बारिश नहीं बरसाएंगे हम, इसलिए कि इस मजमे में एक गुनहगार है जिसकी वजह से हमने बादलों का दरवाजा बंद कर दिया, बारिश का दरवाजा बंद कर दिया। मूसा साहिबे किताब नबी रसूल जलीलुल कद्र पैगंबर अपनी उम्मत के साथ सलातुल इस्तिस्का पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म नाजिल हो गया मूसा तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारी दुआ भी हम कबूल नहीं करेंगे, मजलिस में एक गुनहगार है, पहले गुनाहों से तौबा कराओ ताकि वो भी तौबा कर ले। वो तौबा करता है अल्लाह कबूल करते हैं, बाद में नमाज होती है, बाद में दुआ होती है, बाद में रिदा बदल होता है, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला बारिश का फैसला करते हैं। आज हमारे कुएं क्यों सूख रहे हैं, आज हमारे बोर क्यों सूख रहे हैं, आज हुकूमत पानी बचाने की बात क्यों कर रही है, आज आसमान से बारिश क्यों नहीं बरस रही है, आज आसमान से बादल के दरवाजे क्यों बंद हो गए, हमारे अपने आमाल हैं। मुसलमान रमजान गैर रमजान दोनों सूरतों में सूद के कारोबार में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा सूद, अल्लाह अकबर कबीरा सूद वो गुनाह है। एक जुमला सुनते जाओ, अगर सूदी कारोबार में है, फाइनेंस में है और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका सबूत सूद में मिलता है, तौबा करो तौबा, कोई